साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रसिवर्स तो डिजी में गूगल प्ले स्टोर ऐसी गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनीवेयर हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो थोरी ऑफ फुलर बेसिकली सेंटर now in this video we will solve one numerical based on the theory we have studied in the previous lectures so numerical is a full wave rectifier uses 4 upon 1 center tapped transformer so here turns ratio is given 4 upon 1 and it is given that transformer is center tapped clear so center tapped means we have to use full wave rectifier which having secondary winding center tapped okay so here center tap full wave rectifier is given and turns ratio is given आपको ये point हमेशा mind में रखना है कि अगर आपको bridge wave rectifier दिया है bridge wave full wave rectifier तो वहाँ पर आपका center tapping use नहीं होता इसलिए exam point of view से आपको ये क्लियरली मेंशन होगा कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है नाउ यहां पर आपको गिवन है डायोड्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम तो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 50 ओम नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर गिवन है लोड रेजिस्टेंस आरएल आरएल यहां पर आपको गिवन है 750 ओम एंड आपको गिवन है प्राइमरी वोल्टेज टू ट्वेंटी वोल्ट आरएमएस तो यहां पर आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है टू ट्वेंटी वोल्ट और आर एम फ्रीक्वेंसी आपको परिवन है एंड यहां, पर. यहां पर आपको कैलकुलेशन के लिए क्या क्या बोला है कैलकुलेट बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहां पर कैलकुलेट करने हैं सो फर्स्ट है आपका डीसी एंड एसी आउटपुट करंट, सो डीसी एंड एसी आउटपुट करंट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन डीसी एंड एसी आउटपुट वोल्टेज नाउ थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है डीसी डायोड करंट एंड वोल्टेज सो डीसी डायोड करंट एंड वोल्टेज एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहां पर आपको बोला है पीक इनवर्स वोल्टेज एंड फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर आपको बोला है रेगुलेशन सो रेगुलेशन फैक्टर हमें यहां पर कैलकुलेट करना है एंड इसके अलावा सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है अफिशियंसी तो हमें यहां पर अफिशियंसी भी कैलकुलेट करनी है तो इतने सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने होंगे so, तो, तो आप देखिए यहां पर आपको मीनिंग तो क्या हो जाएगा आपका कि जो आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है प्राइमरी वोल्टेज आपको कितना गिवन है टू वोल्ट और आपको टर्न रेशियो गिवन है टर्न रेशियो आपको कितना गिवन है टर्न्स रेशियो आपको गिवन है फोर अपॉन वन तो वी प्राइमरी अपॉन वी सेकेंडरी इज इक्वल टू फोर अपॉन वन तो वी प्राइमरी कितना गिवन है आपको टू ट्वेंटी वोल्ट तो वी सेकेंडरी कितना हो जाएगा आपका टू ट्वेंटी वोल्ट आरएमएस डिवाइडेड बाय फोर तो वी सेकेंडरी की वैल्यू आपकी आ जाएगी फिफ्टी फाइव वोल्ट आर एम एस तो यहां पर ये जो सेंटर टेपिंग है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग इसका मीनिंग क्या है देखिए न्यूमेरिकल में आपको इसकी मीनिंग समझनी होगी आप थ्योरी पढ़ चुके हैं इसका मतलब ये ये है कि ये 55 वोल्ट आपका ऊपर की तरफ भी होगा और सेम आपका नीचे की तरफ भी होगा ठीक है जो इक्वल हाफ है दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी सेंटर टैप्ड है तो दोनों इक्वल हाफ में 55 वोल्ट और 55 वोल्ट ही होगा तो यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग का हमें वोल्टेज मिल गया अब इसके बाद जो वीएम होगा आपका वीएम का कैलकुलेशन हमें चाहिए क्योंकि आगे जाकर जो भी हमें वोल्टेजेस और करंट कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए वीएम की नीड होगी आपको तो वीएम आप देखिए आपके पास वी आर एम एस है फिफ्टी फाइव वोल्ट ठीक है तो जो आपका आर एम एस वैल्यू होता है वो क्या होता है वीएम अपॉन रूट टू तो यहां पर अगर आर एम एस वैल्यू वीएम अपॉन रूट टू होता है तो आपका वी एम क्या हो जाएगा आर एम एस इन रूट टू तो आर एम एस वैल्यू जो आप लेंगे ना जितने भी फॉर्मले आपने डिराइव कर रखे हैं वो ध्यान रखना है आपको वोल्ट ही लेना है ठीक है ठीक ना इसका हाफ कुछ नहीं करना है आपको जो आपका वी सेकेंडरी आया था फिफ्टी फाइव वोल्ट वही लेना है वो ऊपर वाले हाफ में भी होगा वो नीचे वाले हाफ में भी होगा और जब आप आर एम एस वैल्यू कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे तो आपको फिफ्टी फाइव फोल्ट ही लेना है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें तो फाइव इंटू रूट टू तो यहां से हमें मिल जाएगा वीएम तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वी एम हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है 77.8 वोल्ट तो ये हमने यहां पर वीएम कैलकुलेट कर लिया वीएम के कैलकुलेशन के साथ ही साथ हम यहां पर आईएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होता है वीएम अपॉन आर एफ प्लस आर एल और क्वेश्चन में आपको rf भी गिवन है और rl भी गिवन है तो आप देख सकते हैं rf कितना गिवन है rf गिवन है 50 ओम rl गिवन है 750 ओम तो यहां पर vm vm हमारा कितना निकल कर आया है 77.8 और 50 प्लस 750 तो ये आपका 800 हो जाएगा तो यहां पर जो कैलकुलेट होके आपका आंसर आ रहा है वो है 97.25 मिली एंपियर ठीक है एक्चुअल में ये आपका पॉइंट में आंसर आएगा इसे मैंने यहां पर मिली एम्पियर में रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है तो आई एम हमें मिल गया और हमें वी एम मिल गया अब जो हमने सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं हम उन्हीं फॉर्मूलेस का ही यूज करने वाले हैं तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है पहला क्वेश्चन बोला है डी सी एंड ए सी आउटपुट करेंट तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है डी सी आउटपुट करेंट मतलब आई डी सी इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये होता है टू आई एम अपॉन पाई तो ये जो टू आई एम अपॉन पाई है तो देखिए आई एम की वैल्यू अब हमारे पास है तो टू अपॉन पाई इन टू नाइनटी सेवन पॉइंट टू फाइव आपका आता है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी वन पॉइंट नाइन मिली एमपियर तो यहां पर आई डी सी आपका कैलकुलेट हो गया नाउ

और एसी के लिए बाई डिफॉल्ट हमें आर वैल्यू ही शो करनी होती है तो एसी आउटपुट करेंट दैट मीन आर एम वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करेंट तो ये कितना हो जाएगा आई डैश आर एम एस तो आई डैश आर एम एस का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी कर रखा है ये क्या होता था आपका रिपल फैक्टर इनटू आई डी सी हम लोगों ने रिपल फैक्टर का फॉर्मूला स्टडी किया है आई डैश आर एम एस अपॉन आईडीसी और रिपल फैक्टर की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई थी इन केस ऑफ फुल वेव वेक्टिफायर वो आई थी अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फोर एट और आई डी सी कितनी आई है आपकी सिक्सटी वन पॉइंट नाइन तो इसे अगर आप कैलकुलेट कर लें अब तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है आपका ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट एट मिली एम्पियर क्लियर सो इस तरीके से आप आई डैश आर एम एस जो कि होगा आपका एसी आउटपुट करेंट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करेंट कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका जिस तरीके से अभी हमने करंट की वैल्यू कैलकुलेट की है अब हमें सेम वोल्टेज की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी तो आप देखिए वी डी सी मींस डीसी आउटपुट वोल्टेज ये क्या हो जाएगा आपका आई डी सी आर एल देखिए अगर आपने करंट कैलकुलेट कर लिया है तो आपको पता है कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है तो सिंपली आई डी सी इंटू आर एल कर दीजिए आपको आप किलो ओम में लिख दीजिए कैंसिल हो जाएगी यूनिट सेवन फाइव जीरो तो किलो ओम तो यूनिट आपकी कैंसिल हो गई तो यहां पर जो वीडीसी की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी फोर्टी सिक्स 0.42 वोल्ट तो यहां से हमें वी डीसी भी मिल गया देखिए एक थंब रूल हमेशा आपको माइंड में रखना है कैलकुलेशन के टाइम पे अगर आपका करंट मिली एंपियर में है तो रेजिस्टेंस को हमेशा किलो में रखिए अगर रेजिस्टेंस किलो में है तो करंट को हमेशा मिली एंपियर में रखिए ठीक है तो यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी आपको यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ वी डीसी कैलकुलेशन के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है v' rms जिस तरीके से हमने i' rms कैलकुलेट किया ac आउटपुट करंट बेसिकली rms वैल्यू ऑफ ac आउटपुट करंट सेम अब हमें कैलकुलेट करना है rms वैल्यू ऑफ ac आउटपुट वोल्टेज तो यहां पर v' rms तो v' rms अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए आपको पता है जो v' rms है ये भी आपका आउटपुट वोल्टेज ही है बस ac है तो आपको क्या करना होगा आई डैश आर एम एस और आउटपुट वोल्टेज है मतलब RL across ही आप निकालोगे, तो रेजिस्टेंस तो की वैल्यू आपकी सेम रहेगी उसमें कोई उसमें वैल्यू तो क्या आई है ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट एट ठीक है तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट एट मिली तो आर एल को लिख दीजिए किलो में पॉइंट सेवन फाइव जीरो जो आपका आंसर है डैश आर एम एस का वो अप्रोक्सीमेटली आता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर टू वोल्ट तो यहां पर हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया वीडीसी और वी डैश आर एम एस का नाउ थर्ड प्रॉब्लम क्या है अब आप ध्यान से देखिए थर्ड प्रॉब्लम है हमारी डीसी डायोड करंट एंड वोल्टेज तो थर्ड प्रॉब्लम डीसी डायोड वोल्टेज एंड करंट ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए जो डीसी डायोड वोल्टेज है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है वी डायओ डी हमने इसके लिए डेरिवेशन देखा हुआ है अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू हो सकते हैं वहां पर आपको डेरिवेशन दिखाई देगा वी डायओ डी का तो वी डायओ डी सी माइनस टू वी एम अपॉन पाई तो यहां पर माइनस टू अपॉन पाई और वीएम वी एम की वैल्यू देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर रखी है यहां पर सेवेंटी सेवन पॉइंट एट तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए इन टू 77.8 तो v डायोड dc जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो एप्रोक्सीमेटली है -49.5 वोल्ट तो यहां से हमें v डायोड dc भी मिल गया नाउ v डायोड dc के बाद i डायोड dc देखिए जो i डायोड dc अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा ऑल्दो फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है मींस फॉर्मूला बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन होता है देखिए होता क्या है आई डायो डीसी जैसा हमने हाफ ईयर रेक्टिफायर में भी पढ़ा था आई अपॉन पाई जो डीसी आउटपुट करंट होता है वही आपका आई डायो डीसी होता है लेकिन यहां पर जो डीसी आउटपुट करंट है वो टू आई अपॉन पाई है तो क्या टू आई अपॉन पाई आई डायो होगा नहीं आई डायो मतलब हर एक डायोड से जो डीसी करंट फ्लो होगा वो होगा आई एम अपॉन पाई आई एम अपॉन पाई तो दोनों डायोड से आई एम अपॉन पाई और आई एम अपॉन पाई मिलाकर बनता है टू आई एम अपन पाई तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो आपसे पूछता है वी डायोडीसी या आई डायोड डीसी ठीक है ये सारा इंडिविजुअल डायोड के लिए पूछ रहा है ठीक है तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर दो डायोड है क्लियर देखिए जो वी डायोड डीसी आपने जो डेरिवेशन किया था वो डी डायोड डी वन के लिए ही कैलकुलेट किया था माइनस टू वी एम अपॉन पाई आया था लेकिन जो आई डायो DC है वो आपका दोनों डायोड का मिला के है आईएम अपॉन पाई क्लियर अच्छे से नाउ अब आप देखिए आईएम की वैल्यू क्या है आई एम की वैल्यू हमारे पास है तो यहां पर आप आई एम की वैल्यू पुट कर दीजिए 97.25 डिवाइडेड बाय पाई तो इसे अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है आपका थर्टी so पॉइंट से आपको आई डायोडीसी भी मिल जाएगा नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फोर तो अगर आप प्रॉब्लम नंबर फोर को देखें तो यहां पर आपसे क्या पूछा हुआ है यहां पर आपसे पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज तो यहां पर ये तो डायरेक्ट फॉर्मला है हमारे पास

नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे पूछा हुआ है रेगुलेशन फैक्टर सो रेगुलेशन फैक्टर के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है थ्योरी में तो ये जो रेगुलेशन फैक्टर है इसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कर रखा है इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एल ठीक है तो आर एस डब्ल्यू बाई टू तो क्या आर एस डब्ल्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो क्वेश्चन में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है और हमें पता है कि आइडियल केस में चाहे डायोड हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो सबका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है ठीक है ना तो मैंने आपको थ्योरी में सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं तो अगर आपको यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे जीरो आर एफ यहां पर आपको गिवन है फिफ्टी ओम तो आर एफ को आप इंक्लूड कर लीजिए तो जीरो बाई टू प्लस फिफ्टी और आर एल कितना गिवन है 750. तो यहां पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन क्लियर सो अगर आप इसे परसेंटेज भी लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज तो ये हमारा आ गया यहां पर रेगुलेशन फैक्टर नाउ लास्ट प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम जो आपको पूछी है वो है अफिशियंसी प्रॉब्लम नंबर सिक्स तो यहां पर अफिशियंसी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर रखा है अफिशियंसी का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है वह हैल अपॉन आर एफ प्लस आर एल तो जीरो पॉइंट एट वन आप कर लीजिए इंटू सेवन फिफ्टी और फिफ्टी प्लस सेवन फिफ्टी क्लियर So, यहां पर अगर आप कैलकुलेट कर लें इसे तो 50 प्लस सेवन आपका कितना हो जाएगा 800 हंड्रेड सो जीरो पॉइंट एट वन इंटू सेवन डिवाइडेड बाई एट तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 0.7593 ठीक है इसे अगर आप परसेंट में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 75.93 परसेंट तो आइडियल केस पे जैसा हमने स्टडी किया था थ्योरी में वहां पर अगर आर की वैल्यू जीरो होती है, तो हमें मिली थी, 81%, जो की थी आप देख सकते हैं से। तो जो आर है नॉन आइडियलिटी है उसके कारण आपकी ऑफिसिय हमेशा डिक्रीज होगी यह आपने यहां पर न्यूमेरिकल में भी देख लिया है सो so, यहां पर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और न्यूमेरिकल के थ्रू जो हमने थ्योरी पढ़ी जो हमने फॉर्मुले पढ़े उसका यूज भी आपने यहाँ पर देख लिया है सो so, अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो या फुल वेव रिएक्टिव फायर की थ्योरी में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्रिज वेव रिएक्टिव फायर